तो एक बार आपके पास में कंटिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला मैं आपको लेकर के आऊंगा। फॉर्मूले पे दो मेथड होते हैं, ग्रुपिंग मेथड। सबसे पहले आप यहां देखें कि मोड इक्वल्स टू एल, एल मतलब एक इंटरवल सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसमें आपके पास में क्या रहेगा, लोअर लिमिट, एन मतलब उस इंटरवल का जो गैप चल रहा है वो, और एफ वन माइनस एफ जीरो, और नीचे टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू। तो ऊपर है एफ वन माइनस एफ जीरो, नीचे एफ वन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू। अब ये क्या चीजें हैं, अब एफ किसे कहते हैं वो सब तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जैसे एक क्वेश्चन है ये 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, एक कंटिन्यूस सीरीज है आपका, क्योंकि इसमें जो डेटा है वो एक आपका रेंज में गिवन है। ऑलरेडी मैं इस पर डिस्कशन कर चुका हूँ कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कंटिन्यूस सीरीज है, और कंटिन्यूस सीरीज में 5 टाइप्स के पार्ट्स होते हैं, उसका जो है एक्सक्लूसिव पार्ट है ये, और एक्सक्लूसिव पार्ट हमें चाहिए भी होता है, एक्सक्लूसिव पार्ट ही चाहिए होता है मोड निकालने पे। तो एक्सक्लूसिव पार्ट हमारे पास में है भी तो कोई इशू नहीं है। अब एक काम करो, पहले ग्रुपिंग मेथड पे आप ले जाओ उसको, पहले तो मैं डायरेक्ट तरीका भी बता देता हूँ, बट बाय यूजिंग ग्रुपिंग मेथड कैसे करेंगे मैं उसकी बात करता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट तरीका आपके पास में क्या होने वाला है कि एक इसका जो फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, इसमें देखें सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, 8, 7, 16, 24, 15, 7, तो वो क्लियर कट मामला है। यूजिंग ग्रुपिंग मेथड कह रहा है, नहीं कह रहा है, तो सीधा आपके पास में ये फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, तो ये इंटरवल हो गया। अब इसके अंदर आपके पास में एल क्या रहने वाला है, इसके अंदर आपका एल जो है वो 24 रहने वाला है, ठीक है। एल क्या रहने वाला है इसके अंदर आपका, इसके अंदर आपका एल जो है वो 24 रहने वाला है। आई क्या रहने वाला है आपका, आई मतलब इसको एन भी कह रहे हैं हम, इन जो गैप है आई क्या रहने वाला है आपका, हर किसी में 8-8 का गैप है, 8 का गैप है, तो आपके पास में यहां पर 8 आपका आई है, ठीक है। और आपके पास में जो ये आपका फ्रीक्वेंसी है इसको हम बोलेंगे एफ वन, ऊपर वाले को हम बोलेंगे एफ जीरो, नीचे वाले को हम बोलेंगे एफ टू, ठीक है। तो मेरे पास में एफ जीरो कितना है 16, एफ वन क्या है 24, और एफ टू क्या है मेरे पास में, एफ टू मेरे पास में 15। क्लियर है बच्चे। अब यहां पर अगर आप देखते हैं, अभी वेट कर लीजिए 7-8 मिनट है। अब हमारे पास में जो है मोड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगर आप मोड इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था आपके पास में, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो, नीचे भी आपका एफ वन माइनस एफ जीरो सेम टू सेम, माइनस एफ टू कर दो बस आगे, और इसके आगे टू कर दो बस, इतना ही ध्यान रखना है, और इन टू आई, ठीक है बच्चे। अगर अब आप इसको यहां पर सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, मोड इक्वल्स टू क्या करेंगे आप, एल, एल क्या है हमारे पास में 24 प्लस एफ वन, एफ वन क्या है 24 माइनस एफ जीरो क्या है 16 अपॉन टू एफ वन 24 एफ जीरो 16 और एफ टू, एफ टू क्या है 15 और इनटू आई, आई क्या हमारे पास में 8। तो सॉल्व करते हैं हम यहां पर मोड, तो 24 प्लस, पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 16 24 में से आपके पास में 16 गया, तो कितना बचा आपके पास में 8, ठीक है, क्लियर है। और यहां पर आपके पास में डिवाइडेड बाय, अब यहां सॉल्व करते हैं अगर आप, तो आपके पास में 24 गुणा 2 48, 24 गुणा 2 48 माइनस 31 17 इंटू 8, तो मोड इक्वल्स टू, मोड इक्वल्स टू आपका 24 प्लस क्या जाएगा आपका 64 डिवाइडेड बाय 17, 3.76 इक्वल्स टू क्या होगा आपका 27.76। बात समझ गए, क्लियर है बच्चे। तो ये कंटिन्यूस सीरीज में आपको क्या आ गया, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, चलो हाँ दिख तो रहा है। तो आपके पास में क्या आ गया, ये आपका मोड आ गया। लेकिन अगर बाय यूजिंग ग्रुपिंग मेथड क्या देता ना, अगर आपसे ग्रुपिंग मेथड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, वो तो फ्रीक्वेंसी से बना रहे थे ना पहले, अभी भी फ्रीक्वेंसी से ही बनाएंगे, इसका कंटिन्यूस से कोई लेना देना नहीं है। तो पहले आप फ्रीक्वेंसी से आप पूरे के पूरे 6 कॉलम, एक खुद है 5 और कॉलम, मतलब 2 वाले 2, 3 वाले 3, तो आप 6 कॉलम क्रिएट करते, डेटा को आप उसी तरीके से लिखते, और फिर उसके बाद आपका ये सेलेक्ट होता, फिर उसके बाद फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करते। खैर अगर आपको यहां पर क्लियरली दिख रहा है कि भैया हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो आप लगा सकते हो।
तो डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने मोड के कॉन्सेप्ट को समझा, इंडिविजुअल सीरीज में मोड को समझा, डिस्क्रीट सीरीज में हमने मोड को समझा, और कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी हमने मोड के क्वेश्चन को किए। लेकिन यहां पर हमने कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमने इंटरवल को सेलेक्ट किस तरीके से करा था, हमने जो हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी था उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। लेकिन कई बार आपके पास में हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी रिपीट होगा, मतलब कि अगर 24 यहां पर है तो और भी जगह पर 24 हो सकते हैं, तो वहां पर आपके लिए कंफ्यूजन हो सकता है कि हम किस इंटरवल को सेलेक्ट करें। क्योंकि जब आप इंटरवल को सेलेक्ट करते हो तभी आपका F1 डिसाइड होता है, F0 डिसाइड होता है, F2 डिसाइड होता है, आपका लोअर आपका लिमिट डिसाइड होता है, और आपका आई डिसाइड होता है। इंटरवल से ही पता लगता है आपको। तो यहां पर तो आपको मेनली दिख गया कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 24 है, बट अगर ये 24 रिपीट होता तो कंफ्यूजन क्रिएट होती कि हमें किस इंटरवल को सेलेक्ट करना है। तो वहां पर हम ग्रुपिंग मेथड यूज करते हैं, और कई बार एग्जाम्स में मेंशन भी होता है कि आप ग्रुपिंग मेथड को यूज करो, तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप क्लियर है पहले से ही कि ये इंटरवल है, फिर भी आपको ग्रुपिंग मेथड यूज करना पड़ेगा। तो आज कंटिन्यूस सीरीज में मैं सेम क्वेश्चन को ग्रुपिंग मेथड से करके दिखा रहा हूं कि किस तरीके से आपने करना है। ग्रुपिंग मेथड में सबसे पहले मेरे पास में एक क्लास इंटरवल है, सबसे पहले क्लास इंटरवल जिसमें डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है, जिसको हम एक्स बोलते हैं, और डेटा है मेरे पास में 0 से 48 तक, 8 8 का डिफरेंस है, 0 से 8, 8 से 0 से 8, 8 से 16, 8 8 का डिफरेंस है, 16 से 24, एंड 24 से आपका 8 का 32, एंड 32 से 8 का गैप देंगे 40, एंड 40 से आपका 48। अब आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको गिवन है 8 7 16, 8 7 16 24 15 7, यही है, चेक करते हैं 8 7 16 24 15 7, ठीक है। अब ग्रुपिंग मेथड किस तरीके से आप करेंगे, तो बच्चे ग्रुपिंग मेथड में क्या, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक बार ग्रुपिंग मेथड समझा चुका हूं ऑलरेडी आपको। इसमें मैंने आपको ये बताया कि ग्रुपिंग मेथड में आपने क्या करना होगा कि आप इसको जो है 6 कॉलम में आप इसको डिवाइड करेंगे, इस चीज को आप कुल मिलाकर के 6 कॉलम में आप इसको डिवाइड कर दीजिए। जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम 6 कॉलम में डिवाइड करेंगे। कुछ इस तरीके से, एक कॉलम तो आपका यही हो गया, दूसरा कॉलम आपका ये हो गया, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, और पांचवा और छठा कॉलम, 6 कॉलम आपका हो गया है। उसका कोई एक दो तीन चार पांच छह, 6 कॉलम हो गया आपके पास में, ठीक है बच्चे। अब देखिएगा 6 कॉलम, इसमें से फर्स्ट कॉलम क्या आपका, ये जो फ्रीक्वेंसी गिवन है ये आपका फर्स्ट कॉलम होता है, ठीक है। अब सेकंड कॉलम बनाना है, तो सेकंड कॉलम है, 2 कॉलम है, 2 को लेके बनाएंगे, तो ये आप फ्रीक्वेंसी से इन दोनों को लेंगे तो क्या आएगा 8 7 15। अब फ्रेश टू फ्रीक्वेंसी, इसको नहीं, फ्रेश टू फ्रीक्वेंसी लेंगे आप, दिस वन 24 और 16, तो 4 डाल देंगे 20, फिर 20 40, और फिर 15 और 7 22। अब 2 वाले आपके 2 कॉलम तैयार होंगे, अब एक स्किप कर दो दिस वन,
आपके पास में 16 और 7 23, 24 और 15, आपके पास 29 39। अब इसके साथ में दो नहीं बन रहा है तो आप नहीं ले सकते इसको। अब तीन वाले कॉलम बनेंगे आपके, स्टार्टिंग से पहले तीन, तो आपके पास में 8 7 15, 15 15 30 और एक 31 31। अब अगले तीन, तो आपके पास में 24 और 5 29 और 10 39, 39 और आपके 7 46 46। अब यहां पर एक छोड़ देंगे आप, तीन वाले तीन कॉलम बनते हैं आपके, तो आपके पास में 17 और 16 और 7 आपका 23, 23 और आपका 20 43, 43 और 4 आपका 47। नीचे वाला तीन नहीं बन रहा तो छोड़ दीजिए। कॉलम नंबर है आपका 5 था। कॉलम नंबर 6, 6 में आप एक छोड़ा, दो छोड़ दो आप ये, तो 16 और आपका 24, तो आपके पास 30 40 40 और ये 50 और 5 आपके पास में 55। ये आपके पास में जो है ग्रुपिंग मेथड में 6 कॉलम बना लिए। कैसे बनाए, लास्ट क्लास में भी इस पे मैंने बड़ी डिटेल में डिस्कशन करी थी कि आप फ्रीक्वेंसी वाला आपका पहला कॉलम होता है वो एज इट इज रहने देते हैं, फिर दो वाले हम दो कॉलम तैयार करते हैं, दो दो को लेकर के, एक तैयार करा अगले में एक छोड़ करके फिर तैयार करते हैं, तीन वाले तीन कॉलम तैयार करते हैं हम तीन तीन को लेकर के। तो वहां पर हमने तीन कॉलम पहले स्टार्टिंग से, फिर एक छोड़ के, फिर हमने दो छोड़ करके, इस तरीके से आपके बन जाते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना होता है, अब आपको ग्रुपिंग मेथड के लिए आपको जो है यहां पर डेटा आपको कुछ इस तरीके से मैनेज करना होगा। इसको थोड़ा मैं छोटा कर रहा हूं, अलग अलग पेज पे अगर मैं लेके गया तो फिर आपको ऑब्जर्व करना डिफिकल्ट होगा, इसलिए थोड़ा सा स्पेस बना रहा हूं इसी पे ही। हाँ जी, तो ग्रुपिंग मेथड में सबसे पहले मेरे पास में यहां पर 6 कॉलम है, मैं 6 कॉलम ले लेता हूं। तो डेटा मेरे पास में 1 2 3 4 5 6 है, 6 है, तो डेटा के हिसाब से ये लेता हूं। ऊपर आप डेटा लिखते हैं, एक दो तीन चार पांच, छः, डेटा होगा यहां पर 6 कॉलम बनेंगे, एक दो तीन चार। चलिए डेटा पहले हम लिखते हैं इसको, क्या है, 0 से 8, 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 8 का गैप 32, 32 से 40 और 40 से 48। ठीक है बच्चे, ये मेरा डेटा हो गया। अब मैं यहां पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और कॉलम में फिफ्थ, पांच ही कॉलम बन पाए यहां पे, तो भी 1 2 3 4 5 और कॉलम बना देते हैं। छः,
हेलो। हाँ जी बच्चों, देखो जरा। तो आपके पास में कॉलम सिक्स और ये हो गया टोटल। थोड़ा सा ग्रुपिंग मेथड में कॉलम वगैरह आप मत बनाइए, कॉलम को उसके चक्कर में मत पड़िए। पेपर में सीधा आप लिख दो डेटा। मैं आप अगले क्वेश्चन से नहीं बनाऊंगा, कॉलम बनाने में नेसेसरी टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, मत बनाओ आप। ठीक है, सीधा आप डेटा लिख दो, 1 2 3 4 5 6। आप सिंपल कर दो यार, कोई जरूरत नहीं से, कोई मार्क्स तो मिलने हैं नहीं, बस प्रेजेंटेशन अच्छा लगे तो इसलिए मैंने बना दिया, क्योंकि आपको पीडीएफ के फॉर्म में चीजें जाती हैं, थोड़ा देखने में ठीक लगे। पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से इसको नहीं बनाऊंगा। ठीक है, हाँ जी। फर्स्ट में आपका जो हाइएस्ट क्या है उसके आगे आप मार्क करें। फर्स्ट कॉलम में हाइएस्ट क्या है आपका? 24 फ्रीक्वेंसी, जो 24 से 32 है फर्स्ट में, 24 से 32 दिस वन। और उसके बाद आपके पास में हाईएस्ट कौन सा है? सेकंड कॉलम में आपका हाईएस्ट है 40, जो 16 से 32 तक है सेकंड में, 16 से लेकर के 32 तक का है। और उसके बाद आपके पास है थर्ड कॉलम में हाईएस्ट क्या है? 39, जो कि 24 से 40 तक है, 24 से 40 तक है। उसके बाद आपके पास में फोर्थ कॉलम में आपका हाईएस्ट क्या है? आपका हाईएस्ट है 46, जो कि 24 से 48 तक है, जो कि 24 से 48 तक है। और उसके बाद आपके पास में फिफ्थ कॉलम में आपका हाईएस्ट क्या है? एंड फिफ्थ कॉलम में आपका हाईएस्ट 46 है, जो कि आपका 8 से लेकर के 40 तक है, 8 से लेकर 32 तक है, सॉरी, फिफ्थ में 8 से लेकर 32 तक है, 8 से 32 तक है। और उसके बाद आपके पास में जो लास्ट कॉलम आपके पास में है, सिक्स कॉलम में हाईएस्ट आपका क्या है? 55, जो कि कहाँ से है आपका? आपका एक दो छोड़ दिया था ना आपका, 16 से लेकर के, मतलब कि आपका 16 से 40 तक, 16 से 40 तक। अब इसका टोटल कर दो आप, इसमें कितना बन रहा है आपका, इसमें कितना बना आपका? इस पर कुछ नहीं रहा, इसमें आपका एक रहा, इसमें एक दो तीन रहा, और इसमें एक दो तीन चार पाँच छः, और इसमें आपका तीन, और इसमें एक। तो हाईएस्ट किस में है आपका? ये हाईएस्ट है। तो कौन सा इंटरवल सेलेक्ट हुआ आपका? 24 से 32। तो बस आपने क्या करना है, 24 से 32 आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो सेलेक्ट कर लिया, अब इसके बाद क्या होगा? सेलेक्ट करने के बाद प्रोसेस ये आपका रहेगा फिर। या तो मेरे को डायरेक्टली पता लग गया था ये इंटरवल रहेगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को ही हम मोड कहते हैं, लेकिन कई बार मेंशन करेगा भैया आपको ग्रुपिंग मेथड यूज करना है, तो आपको पहले वो स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, देन मार्क करोगे। और उसके बाद लास्ट क्लास में बताई, ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये मेरा F1 है, इसके ऊपर वाला F0, F2, और इसका लोअर लिमिट L है, डिफरेंस I है, और इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई कर करके आपको इसको अप्लाई करके सॉल्व कर लेने, जो लास्ट क्लास में हमने करा था। तो बच्चे यहां पर आप देखेंगे, जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप जरा बताओ। द गिवन बिलो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेट ऑफ द ग्रुप ऑफ द 60 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, फाइंड द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। 60 स्टूडेंट एक क्लासेस में, तो उसका हमें मोड बताना है। तो सबसे पहले आप यहां पर एक बात को आप समझिए जरा, क्या करना आपको? कुछ नहीं करना, एक बस काम कर लेना आपको कि ये आपका जो सीरीज है ना, कभी भी अगर आप काम करते हो तो आप ध्यान रखें इस बात का कि आपका सीरीज कौन सा होना चाहिए। बच्चे आप कभी भी काम करते हैं तो आपका एक्सक्लूसिव सीरीज होना चाहिए। कौन सा सीरीज आपका होना चाहिए? आपका एक्सक्लूसिव सीरीज होना चाहिए। तो ये सीरीज आपका एक्सक्लूसिव नहीं है, ये इंक्लूसिव है। कंटिन्यूस सीरीज तो है, पर मैंने आपको कहा था कि कंटिन्यूस सीरीज का हमेशा एक्सक्लूसिव वाले पार्ट पे ही हमें काम करना होता है, क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज तो हमारा इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, लेस देन, मोर देन, मिड वैल्यू, इन सब पार्ट्स में डिवाइड होता है। बट हम कंटिन्यूस सीरीज के एक्सक्लूसिव पर ही हम कभी कोई मेथड अप्लाई करते हैं, तो हमें कंटिन्यूस सीरीज का एक्सक्लूसिव चाहिए होता है। जैसे लास्ट वाला हमारा एक्सक्लूसिव था ना, जहां से खत्म हो रहा है अगला वहीं से स्टार्ट हो रहा है, 16 पे खत्म, 16 से शुरुआत। अब डिटेलिंग क्या है इसकी, क्यों है इसको एक्सक्लूसिव नाम, क्या है, कैसे चेंज करते हैं, उन सब की क्लासेस आपको जो है मीन के कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपको मिल जाएगा। मैंने पूरा एक क्लासेस आपको इसी पर लगाया है, इंट्रोडक्शन ऑफ सीरीज, मतलब के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा नाम से भी इसको हम पढ़ते हैं, तो मैंने पढ़ाया आपको। तो यहां पर आप इसको पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर लोगे, तो एक्स को आप एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे ना, ये तो सही से चल नहीं रहा आपका, ठीक है, एक्स को। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, इसमें इसमें गैप कितने का? एक का गैप है ना आपका, आप इस एक गैप को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.5। तो मतलब सबके लोअर लिमिट है 0.5, माइनस करोगे तो क्या बनेगा? 29.5, 34.5, 34.5, 39.5,
40, 39.5, फोर्टी फोर पॉइंट फाइव, पांच पांच गैप देते चलो। अब यहीं से स्टार्ट करो, 44.5, 49.5, 54.5, 59.5, दिख रहा है ना यहां पर? दिख रहा है। आगे 59.5, 64.5, 64.5, एक 64, कुछ गड़बड़ हुआ है ना? एक 34.5, 39.5, 39.5, 44.5, 44.5, 39.5, हाँ यहाँ गड़बड़ हो गया। 49.5, 54.5, 54.5, 59.5 एंड 59.5, 64.5, दिस वन। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। अब आपके पास वही क्वेश्चन आ गया, और फ्रीक्वेंसी देखेंगे अगर आप, तो आपके हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है जरा बताएं? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है में से? 18 की है, तो कौन सा इंटरवल सेलेक्ट हो गया आपका? दिस वन। बात समझ गए बच्चे? अब इसमें आपके पास में ये क्या है आपका? एफ वन है, ये क्या आपका? एफ जीरो है, ये क्या आपका? एफ टू है। और आपके पास में इसमें एल वन क्या हो गया आपका? एल वन बच्चे क्या हो गया? 44.5। आपका आई क्या हो गया? आई आपका गैप है 5 का। और एफ वन आपको पता लग गया क्या है? एफ वन आपके पास में 18 है। एफ टू क्या है आपके पास में? आपका 14 है। एंड एफ जीरो क्या आपके पास में? 12 है। अब फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो आप, क्लियर है? मोड के लिए, तो मोड के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप, मोड इक्वल्स टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू आई, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप। अब सॉल्व करते हैं इसको। आपके पास में एल क्या है? 44.5। एफ वन क्या है आपका? 18। माइनस एफ जीरो क्या है आपका? 12। टू एफ वन, एफ वन क्या है आपका? 18। और एफ जीरो क्या है आपका? 12। एंड एफ टू क्या है आपका? 14। और इंटू आई क्या आपका? 5। अब सॉल्व करेंगे आप, 44.5 प्लस आपका 6 अपॉन 2 इंटू 18 माइनस 12 माइनस 14, 10 इंटू 5, तो क्या आ गया आपका? 44.5 प्लस 3, और सॉल्व हो गया आपका 47.5। आपका रिजल्ट रहा मोड का। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है मोड अच्छे से आपको क्लियर होगा, मोड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर आपके पास से कौन सा क्वेश्चन आ गया? मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आ गया। पर जब फ्रीक्वेंसी मिस करेगा तो आपको मोड दे देगा। फ्रॉम द फॉलोइंग वेजेस डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इफ द मीडियन एंड मोड आर द गिवन एज द 33.5 एंड मोड इज 34 रिस्पेक्टिवली। तो ये 1993 पुराना क्वेश्चन है, आया हुआ है। तो आपके पास में यहां पर मीडियन दे दिया और आपके पास में यहां पर मोड दे दिया है, ठीक है बच्चे? तो एक ये क्वेश्चन आपके पास में, यह आपको कर रहे हैं होमवर्क है, मिड वैल्यू है। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट लूंगा। अब मिड वैल्यू है तो आपको मैंने बताया था कि भैया ये मिड वैल्यू किसका पार्ट होता है? कॉन्टिन्यूस सीरीज का पार्ट होता है आपका मिड वैल्यू। किसका पार्ट होता है बच्चे? कॉन्टिन्यूस सीरीज का पार्ट होता है। अब आपके पास में यहां पर आपको एक्स डेवलप करना पड़ेगा ना पहले। तो मिड वैल्यू में क्या होता है? गैप कितने का आपके पास में? 10 का गैप है ना, देखिए 10 का गैप है। तो इस गैप को आप जो है 2 से डिवाइड कर दिया करो, 5 आ गया। अब सब में 5 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 2.5। अब इसमें 5 प्लस करोगे तो क्या आएगा? 12.5। अब ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। तो यहां पर आपके पास में क्या आएगा? 12.5, 5 का गैप देते रहो आप, 17.5, 10 का गैप देते जाओ, सॉरी 10 का गैप है ना इसमें, 22.5। अब 22.5 क्यों एक्सक्लूसिव में लेके जा रहे हैं, और 10 का गैप दे दो 32.5, 32.5
दस का क्या दे दोगे? 42.5। 42.5 दस का क्या दे दोगे आप? 52.5। क्लियर है बच्चे? अब आपके पास में हो गया। अब फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे आपको, फ्रीक्वेंसी में कुछ भी चेंज देखने को आपको यहीं पर रहना, ऊपर ही रहना, नीचे मत जाओ। फ्रीक्वेंसी में कुछ भी चेंज देखने को आपको नहीं मिलेगा। सर आपने 5 का गैप क्यों किया है? कहां पर विपिन, बोलिए एक बार जरा। यहां पे मैंने क्या करा कि इसके बीच में गैप कितने का है मेरे पास में? टोटल 10 का गैप देखने को मिल रहा है। इसको मैंने 2 से डिवाइड कर देना, जो भी गैप होगा ऑलवेज 2 से डिवाइड होगा, 5 का आ गया। अब मैं इससे 5 पीछे 5 आगे लूंगा तो मेरा इंटरवल यहां पे क्रिएट हो जाएगा। अब यहां पर मेरे पास में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, इस बात को जरा समझिए। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मेरे पास में यहां पर मिड वैल्यू में किसकी है? 60 की है। तो ये मेरे पास में इंटरवल हो गया, ये मेरे पास में F1, ये मेरे पास में F0, ये मेरे पास में F2, ये मेरे पास में L, I मेरे पास में 10 का गैप है। तो मेरी बात समझे? तो यहां पर भी आप इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो ना कि आपके पास में F1 60, F0 42 एंड आपका F2 37 और आपके पास में L 22.5 और आपके पास में आई। बच्चे एक बार सीरीज की समझ ले आइए अपने अंदर, नहीं तो हमेशा हर टॉपिक में प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो। तो इसलिए एक आप मीन वाले सारी क्लासेस देख लेंगे तो सारा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको कि सीरीज को कैसे चेंज करते हैं। क्लासेस मैंने लगाए रखी है। और जैसे ये भी एक सवाल आ गया आपके पास में, तो इस सवाल में भी हम मोर देन को कैसे एक्सक्लूसिव में लेके जाते हैं आपको याद होना चाहिए। एक बार रिवाइज कर करके इन क्वेश्चन को आप करिएगा, नेक्स्ट क्लासेस में मैं फिर आपका यहाँ पर डाउट लेता हूँ, ठीक है जी? तो मोड मेरा ऑलमोस्ट खत्म हो गया, आपका डाउट एक ही क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। एक क्लास और लूंगा, मोड को मैं पूरी तरह फिनिश कर दूंगा, देन उसके बाद डायग्राम, फिर हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, दो टॉपिक। तो पूरी कोशिश है कि अगले 3 से 4 क्लासेस के अंदर ही आपका जो है पूरी तरीके से आपका फर्स्ट यूनिट आपका वाइंड अप हो जाएगा। तो फिर आगे हम डिस्पर्जन चैप्टर को पढ़ेंगे क्योंकि इसके बाद डिस्पर्जन बहुत बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। हेलो।